बरसात की शुरुआत होते ही सिद्धार्थ नगर की नदियों में पानी का स्तर बढ़ने लगा है, जिसके बचाव में प्रशासन ने काम भी शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने बाढ़ से बचने के लिए जो बांध बनाए हैं, अगर वो बांध टूट जाता है तो सैकड़ों गांव बाढ़ के चपेट में आ जाएंगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अभी तक बांधों की मरम्मत के लिए 75 लाख रुपए शासन ने दिए हैं, बाकी और रुपए के लिए डिमांड शासन को भेज दी गई है, जिससे कि बांध के डेंजर पॉइंट को सुरक्षित किया जाएगा।